हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, बन के तैयार होती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इसको चचिंडा कहते हैं, हिंदी में चचिंडे के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको स्नैक गोर्ड बोलते हैं। इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन तो इसमें होता ही है और लो कैलोरी होती हैं, तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही अलग यूनिक स्टाइल में हम बनाएंगे आज। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ किस प्रकार इसको बनाया जाएगा। पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मैंने इसको धो के काट के रख लिया है। यहाँ पर आधा किलो मैंने ये यूज़ किया है चचिंडा, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक बड़ा टमाटर, हरा धनिया, प्याज, एक मीडियम साइज बड़े साइज की मैंने प्याज ले ली है, और हरी मिर्च और लहसुन। आप चाहें तो इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको किस तरह बनाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाला और थोड़ी सी हींग, उसके बाद हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे। मिर्च भी इसी के साथ ही डाल देंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज है वो इतना भुन गया है। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। देखिए आलू इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको इसी तरह भुनेंगे। देखिए थोड़ी देर हो चुके हैं आलू को भुनने के बाद। उसके बाद जो हमारी सब्जी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। गैस को थोड़ी तेज कर लेंगे और इसको इसी तरह भुनेंगे। पहले देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह पूरा अच्छे से इसको भून लेना है हमें। देखिए ये किस तरह से पहले वाइट से थे, अब ये ग्रीन हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसको अच्छी तरह भून लेते हैं तो ये सब्जी और भी स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, देखिए हल्दी और ये है धनिया पाउडर, इसके साथ ही साथ मैं गरम मसाला भी इसमें ये इसी समय ही ऐड कर दूंगी। और ये है स्पेशल पाउडर घर का बना हुआ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिससे ये और भी स्वादिष्ट लगेगा। और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दें और इसको फिर से इस तरह चलाएं, मिक्स कर दें अच्छे से। आप चाहें तो इसको बिना टमाटर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटरों का यूज़ भी किया है इसमें। देखिए ये अच्छे से मिलाने के बाद आप इसको टमाटरों को इस तरह बीच में रख दें। इसको 10-15 मिनट के लिए बंद कर दें। ये देखिए इस तरह आप बंद, पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है इसमें।
10-15 मिनट बाद फिर हम इसको खोल के देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो चुकी है, हमारे देखिए टमाटर पूरी अच्छी तरह गल चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये खाने में ही इतनी टेस्टी भी है। इसको थोड़ी देर एक बार और कुक करेंगे हम। अब ये पूरी तरह बन के तैयार हो गए। देखिए ये इस तरह से बन के पूरी तरह तैयार हो गए। अब इसमें हम गार्निशिंग करेंगे, हरी धनिया डाल के, हरी धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आशा करती हूँ आप लोग भी घर में इसको ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।